हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है IQ Z9S Pro, जिसका हम यहाँ पे BGMI टेस्ट करने वाले हैं। डिटेल में आपको इस फोन का गेमिंग रिव्यू दूंगा। अगर आप BGMI के लिए इस फोन को देख रहे हो गेमिंग के लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए। हम चेक करेंगे FPS कितना ड्रॉप होता है और एक घंटा गेम खेलने पर बैटरी परसेंटेज कितना ड्रॉप होगा, एग्जैक्टली गेमिंग इसमें आपको कैसी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ फोन कितना हीट होता है ये भी हम चेक करेंगे। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आती है, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट आप टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गेम खेलने से पहले फर्स्ट मोबाइल फोन का टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। टॉप से स्टार्ट करेंगे। टॉप में अगर आप देखोगे तो 30 है, अगर हम सेंटर में देखेंगे तो 30.9 है, अगर बॉटम में देखेंगे तो 30.8 है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, इस फोन में आपको IQ Z9S Pro में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट दिया गया, जो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑनटूल स्कोर की बात करते हो तो इस फोन में आपको 8,20,000 तक सम अराउंड देखने को मिल जाएगा। और ये जो चिपसेट है ना, ये 4 nm बैटरी इफिशियंट है। सो बैटरी कितनी ड्रेन होगी एक घंटे में, ये हमें आगे पता चल जाएगा। सारे मैप्स हम यहाँ पे खेलने वाले हैं, हर एक छोटी चीज़ को मैं कवर करूँगा। एंड देखिए, ये तो ऑन कैमरे की बात हो रही है, बट ऑफ स्क्रीन भी मैंने काफ़ी सारा गेम प्ले किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे TDM को लेकर। और अगर आप ग्राफिक्स की बात करते हो तो आपको बोल दूँ, स्मूथ ग्राफिक्स पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिलता है, Ultra HD का भी सपोर्ट इसमें ग्राफिक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलता है। तो बेसिकली 60 FPS की गेमिंग इस पर मिल जाएगी, और कितना कॉन्स्टेंटली रहता है या फिर फ्लक्चुएशन FPS में होगा, ये भी चीज़ हम आगे कवर करेंगे। सो पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे गेम प्ले देख लीजिए, मैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारे TDM मैचेस खेले हैं, उसके एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस था TDM मैचेस को लेके, फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो एकदम ग्रेट था, क्योंकि FPS में मुझे फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। कॉन्स्टेंटली 58, 59, 60 FPS की गेमिंग जो है ये काफ़ी अच्छे से निकाल कर देता है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे खेलेंगे, ड्यूरेशन बढ़ेगा, फ़ोन थोड़ा सा हीट होगा, तब कैसा गेम प्ले रहता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। एंड क्लासिक मैप भी मैं पूरे ट्राई करूँगा, हर एक छोटी चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे, हॉट ड्रॉप्स भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा इसमें परफॉर्मेंस निकल कर आता है।
तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट गेम प्ले कर लिया है IQ Z9 S Pro में काफी टाइम से। अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको गेमिंग रिव्यू दूंगा, गेमिंग में ये फोन कैसा रहा है। स्टार्ट करते हैं FPS को लेकर। चाहे आप TDM मैचेस खेलो, क्लासिक मैप्स, कुछ भी, जो FPS है 60 FPS की जो गेमिंग, ये कांस्टेंट आपको निकाल कर दे देता है। चाहे आप एक घंटा भी खेल लो, FPS में आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब जब लैंडिंग करते हो पैराशूट में 55-54 ऐसा होता है, बट लैंड करने के बाद में 60 FPS कांस्टेंट हो जाता है और ड्रॉप आपको FPS में देखने को नहीं मिलेगा। 60 FPS की परफेक्टली गेमिंग इसमें मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, मैंने हॉट ड्रॉप्स पे भी उतरा है, फाइट ट्राई की है कि FPS कितना ड्रॉप होता है, तो हॉट ड्रॉप्स में भी इवन ये जो FPS है ड्रॉप नहीं होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका गेम प्ले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो FPS थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, सम अराउंड 54-55-59 ऐसा FPS ड्रॉप होता है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो। उतना ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा गेमिंग पे, बट ये चीज़ मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी चेक की है, तो 55-54 ऐसा FPS ड्रॉप होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे अगर आप गेम प्ले को रिकॉर्ड करते हो। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बैटरी, कि बैटरी एक घंटे में कितना ड्रेन होगी। तो मैंने नोटिस किया है 17-18% बैटरी ड्रेन होती है एक घंटे पे। और ये देखिए, हमने जो गेम प्ले किया है वो फुल ब्राइटनेस पे किया है फ़ोन की, सो अगर आप नॉर्मल खेलोगे हाफ ब्राइटनेस पे तो और भी बैटरी कम ड्रेन होगी। 5500 mAh की बैटरी दी गई है, बैटरी बड़ी सी है, तो अगर आप हाफ ब्राइटनेस पे खेलोगे तो और कम ड्रेन होगी। हमने यहाँ पे हैवी टेस्ट किया है तो एक घंटे में 17-18% बैटरी ड्रेन हुई है, ये चीज़ हमने नोटिस की है। अब इसी के साथ में हीटिंग भी देखोगे तो एक घंटा गेम प्ले करने के बाद में टेम्परेचर 37 हाईएस्ट देखने को मिला है, तो हीटिंग का कोई इशू नहीं है, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी प्रॉपर इसमें हो जाता है। देखिए, सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगा, अगर आप इस फ़ोन को गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, वो भी 60 FPS की गेमिंग, तो ये परफेक्टली निकाल कर देता है। सो गेमिंग के लिए भी आप इसे ले सकते हो 22,000 रुपये की रेंज में, मेरे हिसाब से बेस्ट डिवाइस है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इस फ़ोन के बारे में आंसर दे दूंगा। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।